वीनस म्यूजिक कंपनी की तरफ से मैं रूमी जाफरी आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों वीनस म्यूजिक कंपनी ने मशहूर सिंगर सागर साहब का एक नया एल्बम रिलीज किया, यादें, जिसकी आउटस्टैंडिंग सेल ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। और इसी खुशी में आज की शाम यह प्रोग्राम रखा गया है। इस एल्बम के गीतकार समीर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। समीर साहब, अब मैं श्री मुकेश नायक से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो समीर साहब को प्लेटिनम डिस्क प्रदान करें। मैं जानता हूं कि अब आप लोग किसे देखने के लिए बेताब हैं, उन्हें जिन्हें देखने के लिए मैं खुद बहुत बेताब हूं, वो जिन पे हर संगीत प्रेमी को नाज है, सागर साहब की वो आवाज है। अब मैं सागर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जहां कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ ले आए। सागर साहब, दोस्तों, सागर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो खुद यहां नहीं आ पाए। हम खुदा से दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और अब मैं उनके सेक्रेटरी आनंद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और डिस्क कबूल करें। आनंद साहब, फंक्शन में सब लोग बैठे आपका इंतजार कर रहे थे और आप यहाँ बैठ के शराब पी रहे। डिस्क लेने क्यों नहीं आया? मूड नहीं था। जवाब नहीं तेरे मूड का, कभी रिकॉर्डिंग कैंसिल करवाता है तो कभी फंक्शन कैंसिल करवाता है, दिन रात शराब ही शराब। अब ये भाषणबाजी बंद है प्लीज। सही है, सही है। कौन होता हूँ मैं भाषण देने वाला? सेक्रेटरी जो ठहरा। आनंद, ऐसा नहीं बोला, तू मेरा दोस्त है यार। दोस्त है ना, तो पहले शराब पीना बंद कर दे। देख, नैनीताल में प्रोग्राम है अपना, कल सुबह की फ्लाइट है। फ्लाइट? हाँ। किधर? बॉम्बे टू दिल्ली। यस सर। थोड़ा बर्फ और एक ग्लास ले आइए प्लीज। सॉरी सर, अंतरदेशीय उड़ानों में मदिरा पान करना मना है। आप चाय या कॉफी लेंगे? जी, मैं चाय या कॉफी नहीं पीता। आज के दिन पी लेना चाय कॉफी। सागर में जिंदगी को पुकारे चले गए। अरे वाह वाह, क्या इंतजाम है, क्या क्या नाम बताया था आपने? तन्हा भोपाली। हाँ भोपाली जी, वाह वाह, क्या बात है, क्या। हाँ हाँ, डाली 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 डाली, शाबाश। ओए ना, बात बस 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 जी नहीं। ए क्या सागर, रास्ते में पीके जी नहीं भरा जो यहाँ के शुरू हो गया? अम्मा यार, पीने से भी भला किसी का दिल भरता है क्या? चेस। मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करता हूँ, तेरी शराब जल्द से जल्द छुड़वा दे। अम्मा ये कोई दुआ हुई? खता माफ हो तो दुआ पर एक शेर अर्ज करूं। अर्ज किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। चुप जनाब, शेर तो सुनिए। अर्ज किया है कि दुआ में दम हो तो दुनिया को हिला दो, नहीं तो दो घूंट पियो और दुनिया को हिलते हुए देखो। वाह वाह, ये हुई ना बात, ये हुई हमारी बात। बात करता है, इसी बात पर रिकॉर्ड सुनाइए। हाँ तो सुनिए जनाब। इरशाद। दिलबर से अच्छा है ये जाम शराब का। शराब का? दिलबर से अच्छा है ये जाम शराब का, मजा ही मजा देता है, दगा नहीं देता। आ
आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं, अरमा भी है तुम्हें पाने का, तुम पे दिलो जा लुटाने का, जान की कसम सच कहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। Very good. आप और यहाँ? आप तो दिल्ली नॉइस। आपकी आवाज मुझे आंखें चलाई। आप जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही दिलकश आपकी आवाज है। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बस लिखने का शौक है और लिखते वक्त कभी कभी गा भी लिया करती हूँ। गुड गुड। जब भी दिल्ली फ्लाइट पे आती हूँ इसे का चली आती हूँ, न जाने क्यों यहाँ आकर एक सुकून सा मिलता है। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। जो सुकून जो आराम इन वादियों में है वो शायद ही कहीं है। क्या नाम बताया था आपने अपना? जी मैंने बताया ही नहीं क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। वैसे मेरा नाम मेरे शौक के साथ जुड़ा हुआ है, कविता। मेरा नाम सागर है। जी आपको कौन नहीं जानता। मैं यहाँ अनाथ बच्चों के स्कूल के लिए चैरिटी शो करने आया हूँ। हाँ बहुत अच्छा होगा अगर आप भी हमारा शो देखें। कहाँ ठहरी हूँ आप, मैं आपको पास भिजवा दूंगा। शुक्रिया सागर साहब, मैं आऊंगी तो जरूर लेकिन अपना टिकट खरीद कर, क्योंकि ये शो अनाथ बच्चों के स्कूल के सहारे के लिए है। आप वाकई नेक दिल इंसान है, चलता हूँ। और हाँ वो अच्छी आवाज है। गुड। नमस्कार, मैं आनंद आप सबका सागर म्यूजिकल नाइट की तरफ से स्वागत करता हूँ। जी हाँ भाइयों और उनकी भाभियों, दिल थाम के बैठिए, थोड़ी देर में आपके सामने आ रहे हैं आपके चहेते कलाकार सागर। कविता यहाँ भी पिकर आया है क्या? भाई ज्यादा चढ़ गई है क्या?
सुना कविता? हाँ? कल रात का प्रोग्राम कैसा रहा? अरे हाँ, मैंने तुझे प्रोग्राम के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तुझे याद है प्रिया, जिस तरह सागर प्लेन में पीकर आए थे ना, उसी तरह स्टेज पर पीकर लड़खड़ाते हुए आए। क्या कह रही है तू? रियली? एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि प्रोग्राम कैंसिल। माय गॉड। मगर जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तो ऐसे गाए कि अब तक दिमाग में गूंज रहा है। वेरी गुड। दिल भर की याद आती है, चाहत के नाम। अरे कविता, ये सागर ही है ना? हाँ है तो वही, मगर ये इस वक्त भी शराब पी रहा है। अरे यार, पता नहीं पानी भी पीता है या नहीं। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है शराब पीकर। आने की कोई बात नहीं, एक दो घंटे में होश आ जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया आप इनका अदा कीजिए जिन्होंने सही वक्त पर यहाँ पहुंचाया, वरना कुछ भी हो सकता था। वैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, वो भी इस हिल स्टेशन पर, कभी भी धोखा हो सकता है। डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी केस है, जल्दी। अभी आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो इंसानी फर्ज है। और वैसे सागर साहब की जिंदगी तो हर संगीत प्रेमी की अमानत है, मगर मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा शराब को प्यार करते हैं। सागर पहले ऐसा नहीं था, शराब को तो छूता भी नहीं था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसी आंधी आई जिसने उसे तोड़ के रख दिया। आंधी? हाँ, आंधी तो थी वो जो शुरू में खुशबू के झोंके की तरह आई। सेक्सी था, क्या था? सेक्सी। इंडियन एयरलाइंस अनाउंसेस द डिपार्चर ऑफ देयर फ्लाइट IC104 टू दिल्ली। अरे कहाँ हो यार तुम लोग? अरे सबका जल्दी कर, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, ये क्या पहनकर आई है तू? क्यों? अरे शिमला में बहुत ठंड है। अरे हाँ यार, मेरा बैग है ना तेरे पास, फ्लाइट पे चेंज कर लूंगी। चल 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 चल। कि वो सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करे। धन्यवाद। नमस्ते सब। नमस्ते मैम साहब। बोनी साहब कहाँ है? बेटी ये मेरा भतीजा है बोनी, और ये है मिस सपना। हाय सपना। ये अब मेरी फ्रेंड्स हैं, रीटा, शीला, पद्मा, रोशनी। हाय। ये पत्ता अपने के भोपू। अंकल दिस इज नॉट भोपू, दिस इज माइकल जैक्सन ट्रम्पेट। ये मेरा भतीजा ज्यादा अमेरिका में रहा ना, इसलिए हमेशा अंग्रेजी ही बोलता है। मैंने इसे बहुत दफा कहा है कि भाई हिंदी में बोला कर ताकि हम भी समझ सके, लेकिन ये सुनता ही नहीं। चाचू चाचू आई कैन स्पीक बहुत अच्छे हिंदी। हमने अमेरिकन टीवी के अंदर बहुत रामायण और बहुत महाभारत देखी है। देखिए नमस्ते। 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 कैसा लगा सपना? हाँ ठीक है ठीक है अंकल, हम लोग बहुत थक गए, आराम करना चाहते हैं। जाओ मैं बदन दबा दूँ। हाँ? I mean मसाज मसाज मसाज। जाओ जाओ जाओ, आराम करो आराम करो, जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश। अबे उल्टो पट्टे, तू तो मामला अभी से चौपट कर रहा था। What मामला? चलो मैं समझाता हूँ। चल कोले। अबे चल। थोड़ा पीछे जा। अबे थोड़ा पीछे जा। ठंडी में कहाँ फोटो ले रहे हैं? कर दिया ना कबाड़ा, तेरी इस मनु ठीक से अब बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। मैंने कहा कबाड़ा किया, तूने मुझे ठंडे पानी में ढकल कर मेरा ही कबाड़ा कर। अरे कमाल कर दिया, डबल छीक मार के। तू कितना अच्छा आदमी है, इसका मतलब गुड लक। अब देखना मैं कैसे इस फोटो के जरिए उसे अपना बनाता हूँ। गई बस मुझसे तो और भाग।
भागा नहीं जाता। प्यास से मेरी जान निकली जा रही है, बहुत गर्मी है। पानी कहाँ है? अरे पानी तो गाड़ी में भूल आई। ठीक है, मैं भी लेके आती हूँ। संगीता, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? सागर? अरे तुम्हारा सागर? जी। कमाल करती हो तुम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अरे तुम सागर हो या तालाब, यहाँ से जाते हो वरना पुलिस को बुलवा के तुम्हारे होश ठिकाने लगा। पुलिस होश ठिकाने? ये बोतल की क्या हो गया तुमको? ऐसा खींच के थप्पड़ लगाऊंगी ना पूरा। कौन है ये? अरे पता नहीं, कोई सड़क छाप मजनू लगता है। कहता है मैं इसकी संगीता हूँ और मैंने इसे शिमला बुलाया है। बताओ ए मिस्टर, क्या नाटक है ये? ये नाटक नहीं, हकीकत है सिस्टर। और मैं कोई रोड साइड मजनू नहीं हूँ, मैं तो इनका मंगेतर हूँ। क्या मंगेतर? और नहीं तो क्या, इन्होंने मुझे अपने घर वालों की चोरी से यहाँ बुलाया ताकि मैं इनके साथ रह सकूं। ओ शराब, तुम पागल तो नहीं हो? पागल ही तो हूँ जो तुम्हारे प्यार की खातिर मैं यहाँ तक चला आया। पागल ही तो हूँ जो तुम्हारी तस्वीर को अपने सीने से 24 घंटे लगा के रखता हूँ। तस्वीर? हाँ, वही तस्वीर जो तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाते हुए दी थी। देखो अरे ये तो सपना तुम्हारी तस्वीर है। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना कि ये मेरी ही संगीता है। देखिए मिस्टर सागर, मैं मानती हूँ कि मेरी शक्ल इस तस्वीर से काफी मिलती जुलती है, लेकिन मैं संगीता नहीं हूँ, मैं सपना हूँ, सपना नारंग। सपना? हाँ जी। ये कैसे हो सकता है, इतनी मिलती जुलती शक्ल? हे राम, मुझसे ये कैसी गलती हो गई है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को परेशान किया, मैं शर्मिंदा हूँ इस गलत फहमी के लिए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और होता तो शायद यही गलती करता। Come on girls, चलो चलो, चलो, चलो। मुझे क्या पता उसका ये कुछ। सुनिए, देखिए मैं यहाँ नया आया हूँ, टूरिस्ट हूँ ना। आपके पास गाड़ी है? मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर आप पुराना माने तो आप मुझे मार्केट छोड़ सकती हैं। वो मैं ठीक है। अबे लल्लू, देख सागर साहब के साथ मेम साहब भी हैं। अरे आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? शिमला में ऐसी अच्छी पान की दुकान और कहीं नहीं है। ये बहुत अच्छा पान लगाता है, मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ एक पान खा लेती हूँ। आप पान खाएंगे? नहीं नहीं, हम तो पान खाते ही नहीं, और फिर पान कोई खाने की चीज है, उससे दांत खराब हो जाते हैं। नहीं बैठ। अच्छा आप बैठिए, हम लोग पान खा कर आते हैं। चलो गर्ल्स कम ऑन, चलो पान तो खा लो। नमस्ते भैया जी। नमस्ते मैडम, आवा आवा। पान लगा दीजिए फटाफट। मैं मीठा वाला भी मेरे लिए, मेरा भी बढ़िया पान बनेगा। अरे 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 भाई, अरे सबको लगा दे, काहे को चिल्ला रहे हो? अरे लल्लू फटाफट जगा भैया, दिखा हाथ। ये पनवाड़ी पोल ना खोल दे। ये रहा आपका पान और ये रहा सागर साहब का। सागर साहब? आप सागर साहब को जानते हैं? लो, सागर साहब को कौन नहीं जानता मैडम। सागर साहब तो बहुत बड़े गवैया हैं और हर साल यहाँ आते हैं, और तो और मेम साहब हमारे दुकान से पान खाते हैं और जाने से पहले अपना नया कैसेट हम ही को देकर जाते हैं। गर्ल्स, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। गर्ल्स तू कहे तो भरे बाजार में इसकी खातिर कर दे। नहीं, इससे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कम ऑन। ये लीजिए आपका पान। हम तो पान खाते ही नहीं ना। प्लीज, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ। अब आप प्यार से लाई हैं फिर तो। वैसे पान खाना बहुत बुरी बात है। उतरिए जनाब, यही वो ऐतिहासिक इमारत है जहाँ शिमला में नए आने वालों को खाने का, पीने का, रहने का सारा इंतजाम मुफ्त। वेरी गुड। अरे ये तो पुलिस स्टेशन है। ए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, पान वाले ने सब कुछ बता दिया हम लोग को। अच्छा, जब बता ही दिया तो फिर टाटा। ए, जाता का है? ए, क्यों रोना पा रहे हो? क्यों बादशाह, सोनी कुड़िया नाल कबड्डी खेल रहे हो? वो भी कंडेरी लाल थाने दे विच। हवलदार साहब, ये बदमाश पता नहीं क्या क्या। समझ गया मोतिया वाली सरकार, तुसी इनू करेक्ट जगह ते लेके आए हो। ओए रांझे दे पुत्रा,
इस इलाके में जब कोई बदमाश किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे गंडेरी लाल के मौला बख्श की याद जरूर आती है। हवलदार साहब, ये बेचारे तो शिमला पहली बार आए हैं। कोई गल नहीं, मलाई दे डुलियो, ए साडा मौला बख्श नु पुराना कर दो। गंडेरी जी, अब आप मेरी बात भी सुनिए। पुत्रा, तेरी सुनने के लिए तो सारी रात पड़ी है। कुड़ियो, तुसी जाओ, तुहाडी ड्यूटी खत्म और साडे मौला बख्श दी शुरू। यानी यानी के बाय बाय डार्लिंग। ओए बाबू, तू मखरा दे पीड़े नु क्यों देख रहे हैं? हुन तू साडे मौला बख्श नु देख और चल अंदर। क्या हो रहा है ये? सागर साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैंने तो कह दिया था आपके प्रोग्राम का पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। वो ऐसे ही सोचा था कि थाने आ जाऊं, देख लूंगी लास्ट टाइम की तरह कोई गड़बड़ ना हो जाए। ओ सर, ये तो तुम चुप रहो। सर, इस पर कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हां, थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट है। हां कहिए। मेरी फैमिली के लिए 4-5 पास चाहिए थे। हां, मिल जाएंगे। सर, ये तो। अरे चुप रहो, तुमको अगर देखना तो जाकर टिकट खरीद कर देखो। सर चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। आइए प्लीज। सर क्या? सर सलाम कर कंडेरी का पुत्र। वो भी क्या याद रखेगा कि सपना से पाला पड़ा है? बेचारा हवालात में बैठा बैठा मच्छर मार रहा होगा। कोस रहा होगा उस घड़ी को जब हमसे मुलाकात हुई थी। और नहीं तो क्या, बेचारा सड़क छाप आशिक। अंकल, अंकल, क्या हुआ बेटी, क्या बात है? क्या ये सब? क्या ये सब? इतने सारे फूल, तुम्हारा कमरा कितना महंगा। मैं पूछती हूँ किसने किया ये सब? अरे ये जरूर बोनी ने किए होंगे, उसे फूलों से बहुत प्यार है। बोनी? बोनी ने? अरे मैं अभी उससे पूछता हूँ। बोनी? अरे बोनी बेटे। यस चाचू। ओह फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नाइस फ्लावर्स। फ्लावर? हट। देखो बेटी, मैंने कहा था ना बोनी नहीं रखे होंगे। जब से तुम आई हो ना बेटी, ये तुम्हें खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या करता रहता है। नो नो अंकल, नो, मैंने ये फ्लावर्स नहीं रखे। नो बेटा, ये फूल तुमने ही रखे हैं। नहीं अंकल, तुमने ही रखे हैं। आप मेरे पैर को क्यों दबा रहे हो? मेरे बाप राम सादे, मेरे लिए ही हाँ कह दे के फूल नहीं रखे। मैंने नहीं रखे। इनफ, बंद कीजिए, बहुत हो गया ये रोना धोना। आप लोग जा सकते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। चल रिलैक्स, चल फूल है, मैंने फ्लावर्स नहीं रखे। उफ, तुम लोग भी जाओ यार रूम में, थक गई हूँ मैं अब। गुड नाइट। गुड नाइट, लव यू। कैसे लगे आपको ये फूल? वैसे आपसे हसीन तो हो ही नहीं सकते, ये हमारी पहली मुलाकात का तोहफा है। मैं तो आपको खुश करने के लिए हवालात में पड़ा रहता, लेकिन उन्होंने मुझे उसी वक्त छोड़ दिया। मगर मैं आपकी यादों में कैद हो गया हूँ। कल रंग भवन हॉल में मेरा प्रोग्राम है, मेरी तमन्ना है कि आप वहां आए, आपका दीदार हो, नजरे चार हो। आएंगी ना? आऊंगी, जरूर आऊंगी। अरे यार, काउंटर खुला भी नहीं, हाउसफुल हो गया, कमाल की बात है यार, समझ भी नहीं आता। अरे यार, आज तो कमाल हो गया, सारी टिकटें एडवांस में खत्म हो गई। अरे कमाल तो तब होगा जब मेरे दिल का मेहमान आज शो में आएगा, तब देखना जलवा क्या होता है। बाल बना। भाई और बहनों, अभी आपके सामने है सागर, जोरदार तालियां। अरे ये क्या? सागर साहब, आपने हमें अपने शो में बुलाकर इतनी इज्जत दी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपको उतनी ही इज्जत दें। इसलिए हमने ये सारी टिकट्स खरीद ली। और
का गाना सुनने की? तो देखिए, हम हर किसी का गाना तो नहीं सुना करते, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए कुछ खास दर्शक लाए हैं। गाना सुनने के बाद तालियां भी बजाएंगे। अब तो जन्म से तालियां बजाते, क्यों रे सही लियो तालियां बजाओगे? Have fun सागर साहब। कुछ भी हो सपना, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, कम से कम उस बेचारे का गाने एक बार सुन लेती, हो सकता है वो तुम्हारा दिल जीत लेता। अरे आज तक कोई ऐसा गाने वाला पैदा नहीं हुआ जो हमारा दिल जीत ले। क्या दिया, कितनी अच्छी आवाज है आपकी, प्लीज गाइए ना। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन मेरे गीत उन मगरूर इंसानों के लिए नहीं है जो सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने में ही खुशी महसूस करते हैं। देखिए हम लोग अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। क्या फर्क पड़ता है, कल आप लोगों ने जो कुछ भी किया हो वो भले ही आपके लिए मजाक रहा हो, लेकिन मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात थी। वो सिर्फ मेरा ही नहीं, कलाकार का अपमान था, हजारों कला प्रेमियों का अपमान था। आप सब लोगों से विनती है, आइंदा किसी भी इंसान के साथ कैसा भी मजाक कर लेना, लेकिन किसी कलाकार के कला के साथ मत करना। चलो भाई। हाँ यार, उसकी आवाज तो अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच कुदरत के लिए गा रहा है। उसका प्रोग्राम फ्लॉप करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ यार, वो सचमुच ऐसा कलाकार है जिससे कोई भी प्यार करना चाहेगा। हमने कितना जुल्म किया उसके साथ, उसे हवालात में बंद करवा दिया। आखिर उसने किया क्या था हमारे साथ? हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, क्या बात है? किसका फोन है? कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? लगता है मेरी आवाज उसे पसंद नहीं आई। इतनी मेरी आवाज बुरी है क्या भाई? होगी बुरी इसलिए तो तुम सिंगर नहीं हो। क्यों उठाना मत, ठहर जा। लेकिन अरे मैं बात करता हूँ ना। अरे हेलो,
सपना जी आप बोले या ना बोले लेकिन आपके दिल की आवाज यहाँ तक पहुंच रही है। जब दिल में आग लगी हो तो उसकी आंच सबसे पहले उसके चाहने वाले तक पहुंचती है। कल आप मेरा लवर्स पॉइंट पर इंतजार करेंगे, उम्मीद है कि आप जरूर आएंगी। सपना करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, मगरूर है, जवान है और इस वक्त उसकी उम्र भी कच्ची है, लेकिन प्यार का रंग पक्का होता है। मैं चाहता हूं कि तू उसे अपने प्यार के जाल में फांस। अगर वो सोने की चिड़िया तेरे जाल में फंस गई तो हम सारी जिंदगी ऐश करेंगे। डोंट वरी चाचा, डोंट वरी। आज से तेरा मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, सपना, सिर्फ सपना। बस आज से सपना सिर्फ मेरी होगी, मेरी। चीयर्स। चीयर्स। गुड मॉर्निंग सपना बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं, हाँ वो सोचा कि बाहर की ताजी हवा खा कर आऊं। ताजी हवा सेहत के लिए अच्छी होती है ना अंकल? लेकिन ये अकेली क्यों जा रही हो? मैं अकेली? हाँ अंकल, वो सारी सहेलियां सो रही है ना अंकल, इसलिए सोचा उनको जगाना ठीक नहीं है। वैसे भी प्रॉब्लम क्या है, अकेली जाके यू आ सकती हूँ ना अंकल? आ सकती हूँ ना अंकल? जाओ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ बेटी जरूर जाओ, बस यू गई और यू आई। जरूर जाओ बेटी, जरूर जाओ। ये आराम का पिल्ला अभी तक सो रहा है। बोनी, अरे बोनी, बोनी। ओए उल्लू का बच्चे अभी तक सो रहा है। ओए बोनी के बच्चे, बोनी। देखो मैं अरे उल्लू के पट्टे, तू अभी तक सो रहा है, साथ में तेरी किस्मत भी सो रही है, वो अकेली जा रही है। कौन? तेरी माँ। माँ? मेरा मतलब है सपना। सपना अकेली जा रही है, तेरे लिए अकेली जा रही है। मेरे लिए? अब इस अमेरिकन भतीजे का कमाल देखिए, मैं उसे अभी अभी पटा के आता हूँ। अरे आपके चरण कहाँ है चाचा जी? आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं उसे अभी पटा के। भतीजे, तेरे मुंह में गूँ। मेरा मतलब है की शक्कर। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी जाओ। युल्लू का पटा कुछ कर सकेगा या नहीं? You attack the girl, I will attack you, hero banke. Go! ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है मेरी जान, हम तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखने आए हैं। कौन सा विलन आ गया? ये तो दूसरा आदमी है। अरे
तुम लोगों को पैसे दिए थे, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? पैसा क्या खून निकालने के लिए दिया था? साले दूसरा आदमी भेजता है? नहीं, मैं तुम लोगों को अमेरिका ले जाऊंगा। अरे चाचू, खून
चाचू। तेरी इन हरकतों की वजह से सोने की चिड़िया हाथ से फुल हो जाएगी और मेरा सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये सपना पूरा करके जाऊंगा सपना। क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि मैंने इतनी अच्छी किस्मत पाई है कि मुझे तुम मिले। अच्छा? और ये सोच सोच कर बहुत खुश होती हूँ कि न जाने कितनी लड़कियाँ मेरे सागर का सपना देखती होंगी और जब उनको पता चलेगा कि ये सपना सागर की जिंदगी की हकीकत बन चुकी है तो जल जल के राख हो जाएंगी। एक बात बताऊ, तुम लड़कियाँ होती है बड़ी अजीब। क्यों? अरे प्यार किसी से करती है और शादी किसी और से हो जाती है। इसमें लड़कियों की क्या गलती है? अरे माँ बाप की मर्जी के आगे झुकना ही पड़ता है। हाँ ठीक ही कहती हो। कल तुम भी अपने बाप की मर्जी के आगे झुक कर किसी और की हो जाओगी और छोड़ जाओगी मुझे दुनिया में अकेला तड़पने के लिए। नहीं सागर नहीं, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं जो किसी की मर्जी के आगे झुक जाए। और फिर मेरे पापा तो मेरे एक इशारे पर सारी खुशियां लुटा देते हैं और तुम तो मेरी खुशी हो। सच? चाचू क्या जोड़ी है। प्यारे लाल, हमने अपनी बेटी को अकेले शिमला घूमने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि हम जानते थे कि तुम वहां पर हो और तुम्हारे होते हुए हमारी बेटी शिमले में महफूज है। नरेंद्र साहब, मैंने सपना बेटी को बहुत समझाया, आपकी इज्जत का वास्ता भी दिया, लेकिन उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो खुलेआम उस लड़के के साथ घूमती रही। तो मैं ये बात मुझे पहले ही दिन बता देनी चाहिए थी। चाहता तो मैं भी यही था नारक साहब, लेकिन उस वक्त आप मेरी बातों को यकीन नहीं करते, इसलिए सबूत के तौर पर मैं ये तस्वीरें लेकर आया हूं। अच्छा हुआ तुमने हमें वक्त पर बता दिया। ये लड़का है कौन? गवैया है नारक साहब, गवैया है, होटलों में गाता फिरता है। चाचू गवैया नहीं, सिंगर सिंगर। नारंग साहब, मैंने बरसों से आपका नमक खाया है, आपका मैनेजर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको आने वाले तूफान से आगाह कर दूं जो आपकी इज्जत के महल को चकनाचूर कर सकता है। तुम जा सकते हो। जी जी अच्छा। सोए नहीं? जिस बाप की जवान बेटी आधी रात तक घर से बाहर रहे उस बाप को नींद कैसे आएगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा, आप जानते हैं आपकी बेटी इतनी समझदार है, वो कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। इसी बात का तो अफसोस है कि हमारी समझदार बेटी हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा, जरूर किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। कान भरे हैं तो ये सब क्या है? हमने कभी तुम्हें कहीं आने जाने से नहीं रोका, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा और तुमने हमें हमारे प्यार का ये सिला दिया। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं किया कि अपनी हरकतों से तुम हमारी बेदाग इज्जत पर दाग लगा दो, हमें लोगों के सामने शर्मिंदा करो। पापा मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर दाग लगे या आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो खुद सागर को आपके पास ला रही थी मिलवाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सपना, हमारे पुश्तों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बेटियां अपने घर वालों से अपनी शादी की बात खुद करें। शादी के फैसले माँ बाप करते आए हैं और हमने भी फैसला किया है कि तुम्हारी शादी रणवीर सिंह के बेटे के साथ होगी क्योंकि हम उन्हें वचन दे चुके हैं। वचन तो मैं भी सागर को दे चुकी हूँ पापा। हमारे वचन के सामने तुम्हारे वचन की कोई कीमत नहीं। आपकी नजरों में ना सही मगर मेरी नजरों में तो है। आपने उसे वचन दिया है जिसके साथ आप व्यापार करते हैं
और मैंने उसे वचन दिया है जिससे मैं प्यार करती हूँ। आपको मेरे प्यार का व्यापार करने का कोई हक नहीं है। भाई साहब, ये क्या किया आपने? जवान बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया। तुमने देखा दुर्गा, वो हमसे किस तरह बात कर रही थी। भैया, अब जमाना वो नहीं रहा कि जब लोग अपनी बेटियों को ब्याह कर किसी के भी साथ भेज देते थे। आज युग बदल चुका है। अगर सपना उस लड़के के साथ प्यार करती है और उसके साथ शादी करके खुश रहती है, तो हमें रणवीर भैया के बेटे के साथ उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं किस मुंह से रणवीर को इनकार करूं? क्या कहूं उससे कि मेरी लड़की किसी और से प्रेम करती है? अपना मजाक उड़वाऊं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। भैया, अगर आप इसी तरह अपनी जिद पे अड़े रहे और सपना ने जज्बात की रौ में बहकर कोई गलत कदम उठा लिया, तो बदनामी आपकी होगी। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? और फिर भैया, सपना आपकी एक ही तो लाडली बेटी है जिसकी खुशी में ही आप खुश होते हैं। जिद छोड़ दीजिए भैया, उसे मना लीजिए। उसे आपने ही रुलाया है, वो आपसे ही चुप होगी। कहाँ जा रही हो? बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी चली जाऊंगी। बेटी तो डोली में बैठकर घर छोड़कर जाती है। अपने घर को पराया बनाकर दूसरे घर को अपनाती है। लेकिन तुमने घर छोड़कर जाने का फैसला करके ये साबित कर दिया है कि बाप का बेटी पर कोई हक नहीं। इतना भी हक नहीं कि उसे डांट सके, समझा सके, उसकी भलाई के लिए कोई फैसला कर सके। तुम उस लड़के के प्यार में इतना खो गई कि अपने पापा का प्यार भी भूल गई, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक एक फूल की तरह पाला है तुम्हें। मैं कुछ नहीं भूली पापा, मैं तो ये भी नहीं भूली कि एक मामूली सा खिलौना खरीदने से पहले आप मुझसे मेरी पसंद और नापसंद के बारे में 10 बार पूछा करते थे। और आज मेरी जिंदगी का फैसला करने से पहले आपने मुझसे 1 बार भी नहीं पूछा। पापा, आप 1 बार सागर से मिल लीजिए, और अगर वाकई आपको ऐसा लगे कि वो मेरे लायक नहीं है, तो फिर आपकी कसम पापा, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिसके प्यार की खातिर तुम पापा का प्यार भूल कर जा रही थी, जरूर उसके प्यार में हमारे प्यार से ज्यादा ताकत होगी। तुम ऐसा करो, उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुला लो। हम सारे मेहमानों के सामने तुम्हारी और सागर की मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। सच? हाँ बेटी। पापा, अब तो खुश? जी। हाय, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुशी की तो बात है। खुशी की बात? कल तारीख क्या है? कल 4 तारीख है, लेकिन इसमें खुशी की क्या बात है? देखा, फिर भूल गए ना। क्या भूल गया मैं? कल मेरा जन्मदिन है। अरे, एक एक तोहफा। ये तोहफा शादी के बाद। अरे भाई, वो दिन कब आएगा शादी का? बहुत जल्द। मतलब? डैडी ने तुमको खास तौर पर पार्टी पे बुलाया है। मुझे? क्यों? हम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे। एंगेज? रियली? हे, छम छम पायल बोले, पूरब से चली पुरवाई के छम छम पायल बोले, कहीं गूंज उठी शहनाई
शबनम की भावरों को प्यास है, गीतों का मौसम मौसम में खुशबू खुशबू को मेरी तलाश है। ओ बागों में कलियां कलियों पे शबनम शबनम की भावरों चाचू। अब क्या होगा अगर सपना और सिंगर की सगाई हो गई तो? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं बिन मैरिज विधवा हो जाऊंगा। चुप। मुझे शतरंज के खेल में मारा बदलना अच्छी तरह से आता है। बारा। हेलो अंजलि। हाय सागर। That's a pleasant surprise. आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं सागर साहब, जिन्हें आदमी चाह कर भी नहीं भुला पाता। बैठिए। आपके घर का रास्ता उनमें से एक है। पर क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आज मेरा बर्थडे है। आपका भी? ओह, हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं, आज शाम को मैंने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, आपको वहाँ तशरीफ लानी पड़ेगी। आई एम सॉरी अंजलि, आज तो मैं आ नहीं सकूंगा, मुझे कहीं और जाना है। माना कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपका वक्त कीमती है, मगर आपके चंद लम्हे हमारी झोली में भी गिर जाए तो हमारी सालगिरह रंगीन हो जाए। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। खैर,
अच्छा आऊंगा जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी हर शर्त सर आंखों पर। मैं आऊंगा लेकिन मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप वहां आएंगे। थैंक यू सो मच सागर साहब। बाय बाय। रानी, सागर अभी से इतना इंतजार करा रहा है तो फिर शादी के बाद क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है सागर होगा। आइए ना। अरे ये क्या, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी है, लेकिन लेकिन यहाँ तो कोई तुम्हारे मेहमान ही नहीं है। जिस मेहमान की मुझे ख्वाहिश थी वो तो मेरे सामने है, अब किसी का इंतजार नहीं। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? वो सारी बातें जो एक अरसे से मेरे दिल में नासूर बनके मुझे तड़पा रही है। सागर, जब मैंने पहली बार तुम्हारे साथ शो किया था ना, तुम्हें करीब से देखा था, उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई थी कि अंजलि, तुम्हारी चाहतों की मंजिल सागर है, सिर्फ सागर। अंजलि तुम इस वक्त मैं चलता हूँ। नहीं नहीं सुनो तो सही सागर, मेरी बात क्या इतनी बुरी लग गई कि नाराज होकर चल दिए? मेरे जन्मदिन की खुशी में कम से कम एक जाम तो पी सकते हो ना। मैं शराब नहीं पीता हूँ। शराब नहीं तो शरबत तो पी सकते हो ना। देखो प्लीज 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 थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। ओके मैं अभी आई। जी खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए ना प्लीज। जी बैठता हूँ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। आई पुट सम म्यूजिक ऑन, ओके? अच्छा अंजलि, शरबत पी लिया, अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? वो कहीं और भी तो जाना है ना। सागर थोड़ी देर रुको ना। प्लीज आई एम सॉरी, आई हैव गॉट टू गो। क्या हुआ सागर, क्या हुआ? पता नहीं सर, मेरा सागर मेरे साथ चलो। का काम पूरा हो गया? नहीं मेरी जान, काम तो तब पूरा होगा जब सपना सागर को भरी महफिल में थप्पड़ मारेगी। हाँ ओह एग्जैक्टली आओ। और धर्मराज के नौकर उसे पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। हाँ वो भी हो जाएगा, लेकिन कीमत दुगनी लगेगी। अरे मेरी जान, कीमत तो मैं तुम्हें चार गुना दे दूंगा, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद। हाँ अब देखो, इसे एक घंटे के बाद होश आएगा, अब तुम जाकर आगे की तैयारी करो। हाँ I'm sorry, sorry। आनंद भैया जन्मदिन मुबारक हो सपना जी। थैंक यू आनंद भैया। सागर कहाँ है? सागर तो क्या सागर अभी तक यहाँ आया नहीं? नहीं वो तो मुझसे पहले निकल चुका था। आपसे पहले? हाँ। क्या बात है बेटी, तुम्हारा खास मेहमान अभी तक नहीं आया? बस पापा सागर थोड़ी देर में आते ही होंगे। उसे तो यहाँ सबसे पहले आ जाना चाहिए था, और फिर मेहमानों को कब तक इंतजार करवाएंगे? चलो केक काटो। लेकिन चलो पापा वो बस... केक काटो। हैप्पी बर्थडे सपना। It's okay. जी नमस्ते जी। जीते रहो।
बहुत इंतजार करवाया तुमने। जी वो गाड़ी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी जी। खैर कोई बात नहीं, आओ 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 चलिए। साहेबान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल हम अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर उसे मुंह मांगा तोहफा देते हैं, लेकिन आज हम उसे वो तोहफा दे रहे हैं जो तोहफा हमारी बेटी की नजर में सबसे कीमती तोहफा है, और वो है सागर। और आज इसी वक्त आप सबके सामने हम इन दोनों की मंगनी की रस्म अदा करने जा रहे हैं। सागर, रुक जाइए, ये मंगनी नहीं हो सकती, मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी। क्या बकवास कर रही हो, तुम होश में तो हो? अपना प्यार छिनता हुआ देखकर कौन लड़की होश में रहेगी? कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, मैं अंजलि हूं। मैं और सागर एक साथ स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्होंने मुझसे शादी का वादा किया है। अरे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती है, जान से मार डालूंगा तुझे। मार दीजिए, मार मार के चाहे मेरी जान ही ले लो, लेकिन मैं तुम्हें यहां से लेकर ही जाऊंगी। सेठ जी, सेठ जी, मैं आपके आगे विनती करती हूँ, मेरा सागर मुझसे मत छीनिए। आप तो पैसे वाले, आपकी लड़की की शादी कहीं भी हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो मेरा सागर ही सब कुछ है। सेठ जी, ये झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है। आनंद बहन, तुम तो लड़की हो, मेरे जज्बात को समझ सकती हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे सागर को मुझे लौटा दो, प्लीज लौटा दो मेरे सागर को। झूठ मूठ का नाटक मत करो यार। ए बदतमीज लड़की, ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं सागर बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसी जलील हरकत कर ही नहीं सकता। तुम्हारी ये जरूरत के नारायण साहब के होने वाले दामाद पर कीचड़ उछाल रही हो? नहीं, मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रही, मैं तो सिर्फ अपने प्यार की भीख मांग रही हूँ। ए लड़की, तू इस तरह नहीं मानेगी। बोनी, इसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दो, निकाल दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ, ये हमारे खानदान की इज्जत और हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हम जानना चाहेंगे कि इस लड़की की बातों में सच्चाई कहां तक है। ओहो नारायण साहब, आप खामखा बात को तुल दे रहे हैं। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम अभी फैसला कर देते हैं कि ये लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। देखो लड़की, हमारी बात का ठीक ठीक जवाब देना, हम सब लोगों को कैसे यकीन हो जाए कि सागर तुमसे प्यार करता है। ओके, दैट्स राइट, या राइट। आप खुद ही इनसे पूछ लीजिए ना, अगर इन्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो आज ये मेरे घर मेरे साथ मेरा जन्मदिन क्यों मनाते? क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्म? सागर, सागर, क्या ये लड़की सच बोल रही है? अरे सागर, तुम खामोश क्यों, बोलते क्यों नहीं? अरे भाई, क्या क्यों नहीं देते कि ये लड़की झूठ बोल रही है? ये सब एक साजिश है, चाल है सपना। इसे तुम इस लड़की के घर गए थे? सपना देखो, मुझे गलत तुम इस लड़की के घर गए थे या नहीं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सपना जी, ये शायद आपको बताने से घबरा रहे हैं, ये मेरे साथ मेरे घर पे थे। इस बात का सबूत ये तस्वीरें हैं, ये देखिए। आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है। देखो सपना, मैं उसके घर गया था, लेकिन उस दिन के बाद साकर तो आसना भी भूल गया। उसके दिल पे ऐसी चोट लगी कि उसने शराब को ही अपना सहारा बना लिया।
मिस्टर सागर को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। सागर? नहीं नहीं नहीं, लेटे रहिए वरना तकलीफ होगी आपको। आप और यहाँ? इनका शुक्रिया अदा कीजिए, इन्होंने सही वक्त पे आपको हॉस्पिटल लाया, वरना वरना मर जाता और क्या। कैसी बात कर रहे हैं आप, आपके तो चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो उन संगीत प्रेमियों का दिल टूट जाता। आवाज के चाहने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन मुझे क्यों, मैं नहीं हूँ, तुझे मेरी फिक्र ही नहीं। डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं, दो दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, आज मैं बम्बई जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। कविता जी, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप बम्बई में हमारे घर तशरीफ लाए। जरूर, ये लीजिए हमारा कार्ड। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम, बाय बाय। सागर साहब, वैसे मुझे हक तो नहीं, लेकिन एक बात कहूंगी, ये शराब पीनी छोड़ दीजिए। गुड आफ्टरनून काका, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बिटिया, तुम्हारे बिना घर बड़ा सोना लगने लगता है। काका अंकल कहाँ हैं? अंकल कहाँ होंगे, वही अस्पताल में किसी मरीज का सत्यानाश कर रहे होंगे। सत्यानाश? वहाँ क्या देख रहे हो? वो आपकी फोटो देख रहा हूँ, उसमें तो आपकी मुझ ऊंची है, यहाँ तो नीची है। हाँ। क्योंकि वो फोटो है जब मैं आर्मी में कर्नल था, जब आर्मी से निकाला गया तो मुझे नीची हो गई। क्यों निकाले गए? इसलिए कि एक छोटी सी भूल हो गई मुझसे, मेरे एक पेशेंट के ऑपरेशन करने के बाद मेरी कैंची उसके पेट में रह गई, और उस छोटी सी भूल के लिए मेरे तीन बड़े नुकसान हुए। एक, मुझे आर्मी से निकाल दिया गया, दूसरा, मेरी मुझे परमानेंटली नीची हो गई, और तीसरा, मेरी 40 रुपए की कैंची चली गई। कैंची? क्या? अरे चल चल चल, लेट इंजेक्शन लेने। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पागल डॉक्टर है, कहीं पेट में सुई लगा कर भूल गए तो? अरे तो मेरे सुई का पैसा दे देना। नहीं, अरे ए बिहारी, बिहारी पकड़ इसको। चलो मुझे, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। चलो मुझे, चुप, नहीं, चुप 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 चाप खड़े रहो। इंजेक्शन से डरता है, छोटा बच्चा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंजेक्शन से तेरे को। ये गया। क्या हुआ? इंजेक्शन मुझे लग गया सर। देख, अब इंजेक्शन तूने लिया है, पैसे भी तू देगा। डर गई? अंकल मैं तो सचमुच डर गई थी। मुझे टेलीफोन करके डराती है कि पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कैसी रही? फर्स्ट क्लास, बहुत मजा आया। वेरी गुड। हेलो, हाँ है साहब, आपके लिए फोन। हेलो, डॉक्टर रस्तोगी हियर? क्या? ओ नो, लेकिन ये तो होना ही था। यस। क्या बात है अंकल? एक मरीज की मौत हो गई सिरोसिस ऑफ द लिवर से, लिवर में छेद पड़ जाते हैं शराब पीने से। बहुत शराब पीता था वो, मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो हमेशा कहता था शराब है तो जिंदगी है। आज उसी शराब ने उसकी जिंदगी ले ली। मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। तू भी कमाल करता है डॉक्टर साहब, को यूं ही तकलीफ दी, मसल पुल हुआ होगा और क्या। ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, मसल पुल हुआ होगा और कुछ है? वैसे ही बेकार में यार यू। इसे पानी से ले लीजिए। ये क्या किया आपने? विस्की? मिस्टर सागर, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपको आने वाले खतरे से आगाह कर दूं। कैसा खतरा? ये शराब जिसे आप रात दिन पीते रहते हैं, धीरे धीरे एक दिन आपकी मौत का कारण बन सकती है। इधर भी किसे जल्दी है मरने की डॉक्टर बाबू, हम भी धीरे धीरे मरना चाहते हैं। चीयर्स। मेरी बात को मजाक में मत लीजिए डॉक्टर साहब, शराब और सागर एक दूसरे से ऐसे जुड़ चुके हैं
कि आप छूटना जरा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान नहीं कर सकता। आज 4 अक्टूबर है, आज से आप ठान लीजिए। भूल गए ना, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो सपना, गॉड ब्लेस। आज ही के दिन तुमने मुझे अपने दिल से निकाला था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका। तुम्हारी यादें हर पल मेरे साथ हैं, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं, इसलिए हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी जैसे मेरा दिल चलता है। आज हम जश्न मनाएंगे, जी भर के पिएंगे। हैप्पी बर्थडे।
इश्क तेरा मेरी चाहत का इनाम है, पास में तुम हो और हाथों में जाम है। शायद मेरी जिंदगी की सबसे हसी ये शाम है, कितना सुकून कितना आराम है, पास में तुम हो और हाथों में जाम है। शायद मेरी जिंदगी की सबसे हसी ये शाम है। क्यों अपने आप को मिटाने पर तुले हुए आप? तुम नहीं समझोगे, अगर तुमने किसी से प्यार किया होता और वो तुम्हें छोड़ जाता तब तुम्हें एहसास होता कि टूटे हुए दिल का दर्द क्या होता है। अच्छा, शराब पीकर इंसान अगर सचमुच अपना गम भूल जाता है तो आज मैं भी इसे पीकर देखना चाहती हूँ कि ये वाकई गम भुलाने की दवा है। बुरा लगा? क्यों? जब आप इसे पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? मैंने भी किसी से प्यार किया था, मैंने भी प्यार में धोखा खाया है। मैं मानती हूं कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला सकता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि गम भुलाने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लिया जाए। सागर साहब, जिंदगी के सफर में अगर हम सफर साथ छोड़ जाए तो सफर खत्म नहीं होता, इंसान को चलते रहना चाहिए। मुमकिन है आपको कोई और अच्छा हम सफर मिल जाए। एक बार फिर कहूंगी, शराब का सहारा छोड़ दीजिए। देखा कितना फर्क है तुम्हें और इस कविता में। प्यार में धोखा तो उसने भी खाया है, लेकिन तुम्हारी तरह अपने आप को शराब के बॉटल में नहीं डुबाया। जिंदगी का हर पल वो जी रही है और तुम अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। अभी भी वक्त है सागर, अपने आप को संभालो। शराब पीकर इंसान अगर सचमुच अपना गम भूल जाता है तो आज मैं भी इसे पीकर देखना चाहती हूँ कि ये वाकई गम भुलाने की दवा है। क्यों? जब आप इसे पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, पेड़ पौधों का भी इलाज करता हूँ। इनमें भी जान होती है, हमें उनका भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपने शरीर का रखते हैं, समझे? जी, लेकिन साहब हाँ। आप इनमें ये आटा क्यों डाल रहे हैं? ये आटा नहीं है बुद्धू, ये फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन सल्फेट यूरिया खाद। खाद? गजब हो गया। क्या हुआ? मैं समझा ये आटा है, सुबह नाश्ते में इसी के पराठे बनाकर आपको खिला दिए। तो क्या हुआ, पराठे बना के खिला दिए? हाँ। गधे के बच्चे खाद के पराठे खिलाता है, मैं तेरा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। साहब आप इतनी अच्छी खाद के पराठे खाकर हमेशा हरे भरे बने रहेंगे, आपके पेट के अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, मैं तेरे दिमाग के कीड़े निकालता हूँ। हेलो, हाँ जी देखता हूँ। साहब आपका फोन। आ जाओ। हेलो, नहीं नहीं मैं आज क्लिनिक नहीं आ रहा हूँ, कुछ तबीयत में गड़बड़ है, आज शाम तक आऊंगा। क्लिनिक आया तो उसको घर पे भेज दो ना, मैं घर ही पे देख लूंगा उसको। ठीक है बनारसी। जी साहब।
एक मरीज घर पे आने वाला है, वो डॉक्टर दवाइयां दोनों से दूर भागता है, समझाना, इसलिए संभाल लेना, वो थोड़ा सा सनकी है। साहब आपसे बढ़कर तो नहीं, साहब कोई अच्छा डॉक्टर बुलाओ। तो आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? हाँ। आपको कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ? मुझे सब पता है, अंदर जाओ कपड़े निकालो और लेट जाओ। क्या? अंदर जाओ कपड़े निकालो और लेट जाओ। अरे? मैं डॉक्टर रस्तो क्यों, एक्स मिलिट्री सर्जन बनारसी, देखते क्या हो? अरे पकड़ो, अंकल ये क्या? मैं गलत घर में। अरे आप, ये अंकल, ये सागर साहब है। सागर जी? पर छोड़ो। और ये मेरे अंकल। नमस्ते जी। अरे भाई अब तो छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो, माफ करना बेटे, मैं गलत फहमी में तुम्हें अपना मरीज समझ बैठा, सब इसकी वजह से। वैसे कविता ने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ की है और मुझे भी तुम्हारे गाने बहुत पसंद है। वैसे मैं भी कभी कभी कुछ। अरे अंकल क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम सागर को ले जाओ और चाय पानी पिलाओ। अंकल ये चाय नहीं पीते। नहीं नहीं, मैं चाय पीऊंगा। पिएगा पिएगा, खामखा तुम इसकी चाय कैंसिल करवा रही हो। बनारसी जाओ, पंजाब रेजिमेंट की चाय बनाओ, जाओ कह रहा हूँ। अच्छा बेटी तुम बातें करो, मैं अभी आता हूँ। आप चाय पियेंगे, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल कविता, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। आइए। कल तुम्हारे जाने के बाद मैं सारी रात सो नहीं सका, तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी में हलचल सी मचा दी है, मुझे अपने बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, और मैं यही दुआ करूंगी कि आपके आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। कविता मुझे तुम्हारी दुआओं के अलावा भी कुछ चाहिए। क्या? डरता हूँ कहते हुए, कहीं तुम मुझे मायूस न कर दो। कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपके किसी काम आ सकूं? ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, कहिए ना। कविता तुम्हें कहा था ना कि इंसान को जीने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। मैंने वो सहारा ढूंढ लिया। अच्छा कौन है वो, बताइए ना कौन है वो? तुम। मैं? हाँ कविता, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई हम सफर था। कविता क्यों ना हम दोनों अपना अतीत भूल जाए और एक दूसरे का सहारा बन जाए। क्यों, क्या सोचने लगी तुम? कविता समझ गया, किसी को सलाह देना जितना आसान है उस पर खुद अमल करना उतना ही मुश्किल है। माफ कर देना, गलती मेरी ही थी, जो तुम्हारी हमदर्दी का मतलब मैं कुछ और ही समझ बैठा। चलता हूं। बेटी मैंने सारी बातें सुन ली, अब तुम्हें भी किसी सहारे की जरूरत है और सागर हमें अच्छा लगा। लेकिन अंकल आप तो जानते हैं कि... मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानती, इंसान अपनी जिंदगी यादों के सहारे नहीं गुजार सकता, जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। तुम्हारी प्यासी जिंदगी को सागर की जरूरत है और सागर को तुम्हारी। मैं जानती हूँ अंकल, सागर अच्छे हैं, शरीफ हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, प्यार नहीं। इज्जत और प्यार में फर्क होता है ना अंकल? ठीक उसी तरह जिंदगी जीने और गुजारने में भी फर्क होता है। वैसे बेटी तुम्हें अपने जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा अधिकार है। क्या गंजाम खाना लगे? खाना लग गया साहब। सागर साहब कहाँ है? सागर साहब वहां है। सागर चल खाना खा ले। मैं यार भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं,
तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना यार, भूख नहीं है तुझे, खाना तू खा। नहीं, भूख नहीं है और शराब भी नहीं, क्या हो गया इसे? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो खाना खाऊंगा। सागर, आप चलिए खाना खाइए। चलिए मुंह खोलिए। सच कहते हैं, जान की कसम सच कहते I'm not afraid to die।
क्या सोच रहे हो? तुम्हारे आने से दोबारा जिंदगी में जो खुशी बहार बन के आई है, डरती हूँ कि कहीं फिर से छीन न जाए। नहीं कविता, अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने अतीत को भूलकर एक नई दुनिया में कदम रखेंगे। तुम अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो, मैं कल ही आनंद को तुम्हारे अंकल के पास शादी की बात करने भेजता हूँ। सच? मुझे उनसे शादी की बात करनी है। शादी की बात? यस। क्या बात है बनारसी? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब, ये आपसे शादी की बात करने आए हैं। शादी की बात? बनारसी जी साहब, ये बंदूक ले जाओ। और सुनो जी साहब, इनके लिए एक ठंडा ग्लास लस्सी का ले आओ, पंजाब रेजिमेंट। जी साहब। आइए यहाँ से, यहाँ से। अब आप ये बताइए कि आप लड़की के लगते क्या? लड़की? अच्छा खैर, कुछ भी लगते हो, एक बात आप गौर से सुन लीजिए। मैं लड़की को देखे बगैर, पसंद किए बगैर ये शादी की बात पक्की नहीं करूंगा। बात क्या है? बात क्या है मिस्टर देवानंद? आनंद मंगेशकर, बात क्या है आप सुन लीजिए। लड़की देखने में कैसी है, पढ़ी लिखी है कि नहीं, घर का कामकाज जानती है कि नहीं? आफ्टर ऑल मैं भी जो हूँ आर्मी का एक्स मेजर सर्जन हूँ। आर्मी मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी है, लेकिन मैं भी जवान हूँ, हैंडसम हूँ। लगता है आपके घर में आईना नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने आप को आईने में देखकर अपनी शादी की बात नहीं करते। बनारसी, अब लस्सी, लस्सी ले जाओ, बंदूक ले आओ, बंदूक। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक लेखक हूँ, मेरा दिल बहुत नाजुक है, आपने ये बंदूक क्यों मंगवाई? इसलिए कि तुमने एक मिलिट्री मैन की तौहीन की, और किसी भी मिलिट्री मैन की तौहीन करना देश के गौरव की तौहीन करना है, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपने आप को किसी इम्पोर्टेंट आईने में देखते तो आपको और पता चलता आप कितने हैंडसम और जवान हो। कोई भी लड़की आपके साथ शादी करके अपने आप को खुशकिस्मत समझती। अच्छा? हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई बहन या बेटी है ही नहीं। तो फिर तुम किसकी शादी की बात किए जा रहे हो? मैं तो सागर और कविता की। ओहो, तो पहले क्यों नहीं बताया? सागर तो बहुत ही अच्छा लड़का है, और कविता और मुझे दोनों को बहुत पसंद है। साहब बंदूक, बंदूक कैंसिल, लस्सी ले आओ। जी साहब। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ पक्का पक्का पक्का। आइए बैठिए बैठिए। तुझे तो सागर के बारे में मालूम है, बस आता ही होगा। लो आ भी गया। राकेश सागर, ओ मेरा दोस्त, मेरे बचपन के यार। कैसा है तू? कब आया तू? अरे कल रात को यार। अच्छा, और सुबह तुझसे मिलने चला यार, खबर ही नहीं की, फोन तो कर लेता। हाँ। सागर, मेरी जरा म्यूजिक कंपनी वालों के साथ मीटिंग है, पैसा वसूल कर। अरे तू बैठ बैठ यार, सालों बाद तो आया तू, फिट लग रहा है बस। और तू सुना, शिपिंग में है ना तू? अरे वही पुराना। अरे वही शादी की? बस उसी इरादे से आया सागर। अच्छा तू सुना, तूने शादी की कि नहीं? सोच रहा हूँ बस, घर बताई। अच्छा, एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ, आज शाम ना?
मिलता हूँ शाम को। सॉरी यार वो कविता आओ, आओ मिलो मेरे यार से, ये है राकेश लंदन से आया है और ये है मेरी नहीं तेरी होने वाली भाभी। कैसी लगी हमारी पसंद? किस्मत वाले हो तुम। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या बात कर रहा है यार, अभी तो तू आया है, हम सब साथ में खाना खाएंगे, गपशप मारेंगे, फिर कभी घर पे पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनके साथ कहीं बाहर जाना है। श्योर, वेरी श्योर, चलता हूँ। आई जस्ट लीव इट। मैं राकेश बोल रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब बात करने को बचा ही क्या है? प्लीज कविता मेरी बात तो सुनो। राकेश, हमारे रिश्ते पर वक्त की राख जम चुकी है, अब अगर उसे हवा दोगे तो राख ही उड़ेगी। क्या आज मेरा तुम पर इतना हक नहीं रहा कि मैं तुमसे बात कर सकूं? ये हक बहुत पहले खो चुके हैं आप। मैंने कह दिया ना मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे क्या बात है कविता, मैं सागर बोल रहा हूँ। कमाल है, ऊपर बादल गरज रहे हैं, नीचे तुम गरज रही हो, खराब मूड में हो। नहीं तो वो क्या है कि बार बार रॉन्ग नंबर आ रहा था ना। बम्बई की टेलीफोन की यही तो खराबी है, रॉन्ग नंबर जल्दी से लग जाते हैं, सही लाइन कभी नहीं मिलती। पर तैयार है ना, मैं शाम को तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अरे अरे आज शाम मेरा कैसेट रिलीज है, याद नहीं? कंग्रेचुलेशंस। आपको भी, मैं तुम्हें 8 बजे पिकअप कर लूंगा। ओके बाय। काका। हाँ बिटिया। अंकल आए तो कहना मैं सागर साहब के साथ पार्टी में गई हूँ। अगर बिटिया इतनी बरसात में, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कविता, कविता मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ आज मेरी बात सुन लो कविता, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मेरे दिल पर एक बोझ है जो तुम्हें बताकर हल्का हो जाएगा। प्लीज कविता, तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन मैं तुमसे मिलकर डैडी मम्मी से शादी की बात करने गया था? राकेश, ये कहने से पहले हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। कैंसर है तुम्हारी मां को, ब्लड कैंसर, उनका तो ख्याल किया होता। तुम्हारी शादी कविता से तो क्या किसी हूर से भी नहीं हो सकती। इस घर में सिर्फ धर्मराज की बेटी बहू बनकर आएगी, जिनकी एहसानों की बदौलत हम इस छत के नीचे खड़े हैं। जानता हूं डैडी, लेकिन कविता को मैं शादी का वचन दे चुका हूं। वचन तो हम भी दे चुके हैं। मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। वाह राकेश वाह, अब किसी काम करने से पहले हमें तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी, तुम्हारे जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें इजाजत वाली कोई बात नहीं है डैडी, मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरा अपना भी तो कोई फैसला हो सकता है। ओफो, ये तो हम भूल ही गए थे कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो राकेश, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। रणवीर सिंह मर सकता है लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मेरी रगों में भी आप ही का खून है डैडी, मैं भी अपना वचन तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। तो जाओ, कविता के साथ शादी के फेरे लगाना चाहते हो ना तो लगा लो, लेकिन मेरी चिता के फेरे लगाने के बाद। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ।
बेटा, जब मेरे डैडी ही नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? नहीं माँ, ऐसा मत कह, मैं तुझे खोना नहीं चाहता माँ। तो फिर छोड़ दे अपनी ये जिद, भूल जा उस लड़की को, बचा ले अपनी माँ का सिंदूर। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। वचन दे अपनी माँ को। हाँ, मैं वचन देता हूँ। मैं डाले की बात मानेगा। हाँ माँ। तुम ही बताओ मैं क्या करता। मेरे सामने दो ही रास्ते थे कविता, अपनी मां की मांग उजाड़ देता या तुम्हारी मांग सचा देता। हालात का हो या मजबूरी या फिर तकदीर, मैंने तुम्हें खो दिया है कविता, मैंने तुम्हें खो दिया है। अपने बाप की चिता के फेरे लगाकर ही मैं तुम्हें पा सकता था। बताओ कविता, बताओ मैंने सही किया या गलत? तुमने अपना फर्ज निभाया और मैंने अपनी किस्मत का लिखा भुगता। खैर, मुझे खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी में सागर आ गया। वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम दोनों पर जमाने भर की खुशियां न्योछावर कर दे और यहां तक कि मेरी भी तमाम खुशियां तुम्हारे दामन में डाल दे। डॉक्टर सुरेश। अरे डॉक्टर रसोई आओ। अब यार तू बड़ा बदतमीज हो गया। क्यों, क्या हुआ? कल मैंने तुम्हें कितने टेलीफोन किए और तुम डिस्पेंसरी से गायब। अरे यार वो मशहूर सिंगर है ना सागर, हाँ, कल रात अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? सिरोसिस ऑफ द लिवर। सिरोसिस? रसोई, मैंने उसे बहुत समझाया कि शराब उसके लिए जहर है लेकिन नहीं नहीं माना, फिर से पीनी शुरू कर दी। डॉक्टर सुरेश, मिस्टर सागर के रिपोर्ट देखने के बाद मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। He is perfectly all right. Thank you, डॉक्टर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सागर दोबारा शराब को हाथ तक न लगाए। यस डॉक्टर। ये उसकी रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर। सर थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। तुमने फिर शराब पीनी शुरू कर दी? तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि शराब कभी नहीं पियोगे। और तुमने उसे यकीन कर लिया?
अरे माय डियर, मैंने तो तुमसे प्यार करने का वादा भी किया है, शादी करने का भी वादा किया है, तो तुमने उसे भी सच मान लिया होगा। सागर, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से ये शराब बोल रही है। हाँ, शराब पीकर आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी दुनिया में ऐसी कोई कविता नहीं बनी जिससे आदमी जिंदगी भर पढ़ता रहे। मैडम, मेरा नाम सागर है, सागर जिस पर हिंदुस्तान की लाखों हसीनाएं अपना दिल लुटाती हैं। सागर के सीने में कोई एक मछली नहीं, हजारों मछलियां रहती हैं। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने मुझे क्यों फंसाया। इसलिए फंसाया कि तुम एक स्टार की बीवी कहला सको, इस घर की मालकिन बन सको, मेरी दौलत पर कब्जा कर सको। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? अच्छा हुआ आज आपने मुझे मेरी औकात बता दी। एक बात कहूं, आज के बाद किसी लड़की के दिल उसके जज्बात से मत खेलना, वरना ऐसी हाय लगेगी कि जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे। सागर, ये तूने क्या किया? ये नाटक करना जरूरी था आनंद, ताकि कविता के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। लेकिन क्यों? शायद तू नहीं जानता, राकेश कविता का पहला प्यार है, और पहले प्यार के बिछड़ने का गम क्या होता है ये मैं जानता हूं। अगर ऐसा नहीं करता तो शायद वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये कहां का इंसाफ है सागर? खुद के घर में अंधेरा करके दूसरे के घर में उजाला। अपनी तो आदत सी पड़ गई अंधेरे में जीने की, बहुत ज्यादा रोशनी भी रास नहीं आती। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? मैं बहुत बदनसीब हूं अंकल। अरे पगली, बदनसीब तू नहीं है, बदनसीब है ये आंसू जिन्हें तुम अपनी खूबसूरत आंखों से बाहर गिरा रही हो। मैं भी आंसू की तरह हूं अंकल, जिसे आंखों से गिरा दिया जाता है। यही गलती है ना मेरी, कि मैंने चाहा मैं सागर की उदास होंठों की मुस्कुराहट बन जाऊं, उसके दिल के जख्मों पर अपने प्यार का मरहम लगाऊं, लेकिन उसने मेरे जज्बात की कदर नहीं किया अंकल। उसने मुझे जलील किया, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया अंकल। ये भी उसकी मोहब्बत है बेटी? नहीं, ये झूठ है। तुम्हें झूठ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम जानती नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों किया, बोलिए ना। वो तो यही चाहता है कि तुम उससे नफरत करो, उससे दूर हो जाओ। लेकिन क्यों? वो इसलिए, इसलिए कि वो नहीं चाहता कि तुम विधवा बनो। अंकल? हाँ बेटी, शराब उसे पूरी तरह से पी चुकी है। वो अब सिर्फ उस खाली गिलास की तरह रह गया है जो हवा के हल्के झोंके से भी गिरकर टूट सकता है। कौन? कविता? हैरान हो गए? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए दूर भाग रहे थे ना, कि अगर कल तुम्हें कुछ हो जाए तो दुनिया वाले मुझे इस लिबास में ढक देंगे। सागर, मुझे कल की परवाह नहीं,
मुझे मेरा आज चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे मेरी खुशी छीनने का। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ जाऊंगी? मैं चंद दिनों की खुशी के लिए तुम्हें जिंदगी भर के आंसू नहीं दे सकता कविता। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई, मेरे दिल में दोबारा जीने की तमन्ना जगाई। लेकिन आज सागर खुद अपने ही भंवर में डूब रहा है। तो फिर मैं भी डूब जाना चाहती हूँ उसी भंवर में। मुझे अपने आप से अलग मत करो सागर, मैं एक बार टूट चुकी हूँ, दोबारा टूट के बिखरी तो कभी ना सिमटने वाली कहानी बन जाऊंगी। मुझे बिखरने से बचा लो सागर, मुझे बिखरने से बचा लो। नहीं नहीं कविता, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। हेलो सागर, मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने गलत वक्त पर फोन तो नहीं किया? नहीं नहीं, सही वक्त पर फोन किया है। कल शाम अशोका हॉल में हमने एक पार्टी रखी है और तुम्हारा वहां आना बहुत जरूरी है। पार्टी किस खुशी में? सरप्राइज पार्टी है, आके खुद ही देख लेना। वैसे तो मैं पार्टी में जाता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे आना बहुत जरूरी है। तो फिर कल पार्टी में मिलते हैं। ओके बाय। जो काम मैंने तुम लोगों को कहा है प्लान के मुताबिक, वो काम बिल्कुल उसी तरह हो जाना चाहिए पार्टी के बाद, समझ गए ना? यस बॉस। गुड, अगर तुम लोगों ने वो काम सही ढंग से कर दिया तो मैं तुम लोगों की जिंदगी बना दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा तुम्हें। डोंट वरी बॉस, सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। वेरी गुड बॉस, आपके लिए फोन। ये मेरे लिए है। हेलो। हेलो प्यारे लाल, कैसे हो? कौन हो तुम? वाह प्यारे लाल, तुम अपने राजदारों को इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या? मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि कहाँ से बोल रही? यही बॉम्बे से। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें अब बम्बई में नहीं दिखना चाहिए। जानती हो सागर ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? जानती हूँ, इसीलिए तो मैं इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने आई। तुम्हारे मेरे बीच में जो सौदा हुआ था वो 20 लाख रुपया मुझे आज ही चाहिए। 20 लाख? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तक तो नहीं, लेकिन रुपए नहीं मिले तो जरूर हो सकता है। अगर पैसे नहीं दिए तो क्या कर लोगी तुम? हाँ अंजलि कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलती, हर ताले की चाबी अपने पास रखती है। तुम्हारे लिए अगर मैं सागर और सपना को अलग कर सकती थी तो अपने पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी सारी काली करतूतों का सबूत मेरे पास वीडियो कैसेट में है और वो धर्मराज तक भी पहुंच सकता है। समझ गए ना? हाँ समझ गया। गुड, वेरी गुड। तो आज रात 8 बजे मैं बॉम्बे पुणे हाईवे के ब्रिज के पास इंतजार करूंगी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, उसके बाद तुम खुद ही समझ जाओ प्यारे प्यारे लाल। बोनी बोनी, ये सब क्या है? तुम्हें पैसा चाहिए है? बोनी पैसा नहीं। बोनी प्लीज, बताइए ना, वो भी कर लिया। अरे सागर, अरे बेटे वहां क्या खड़े हो? आओ ना। नमस्ते अंकल। कैसे हो? ठीक हूँ। ये कविता है। नमस्ते। कविता, नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। खैर बेटे, ये बताओ कि तुम्हारा सिंगिंग का प्रोग्राम कैसा चल रहा है और तुम्हारा नया एल्बम कब आ रहा है? बेटे तुम्हारे गाने हमें बहुत पसंद है। थैंक यू अंकल। ये राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। साहबजादे ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं। तुम ये करो, तुम ऊपर जाकर उनकी उंगली में उंगली डालकर उन्हें नीचे ले आओ। जी। राकेश, आए। आजा मेरे दोस्त। अच्छा वो तो आ गया।
सागर, अगर आज तू नहीं आता तो मैं तुझसे बहुत नाराज हो जाता। अरे कैसे नहीं आता राकेश, आखिर तेरी सरप्राइज पार्टी में आकर तुझे भी तो एक सरप्राइज गिफ्ट देना था। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ, देखेगा नहीं? अरे मेरा दोस्त मेरे लिए तोहफा लाए और मैं ना देखूं? कहाँ है? हाँ कविता। हाँ कविता। मैं कुछ समझा नहीं। तू समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। राकेश मैं सब जान चुका हूं, कविता तेरा प्यार है। मेरा प्यार? ये तुझे किसने कहा कि मैं कविता से प्यार करता हूँ? जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अगर तुझे कविता से प्यार ना होता तो उस बारिश वाली रात तू उसके घर नहीं गया होता। अब कुछ बोलता क्यों नहीं, खामोश क्यों है? जब तुझे सब कुछ पता चल ही चुका है तो छुपाने से क्या फायदा। हाँ मैं कविता से प्यार करता था, मगर अब मैं कविता के बारे में सोच भी नहीं सकता। और फिर प्यार तो तू भी कविता से करता है। वो प्यार नहीं है, वो तो एक समझौता है, हमदर्दी है। देख राकेश, मेरी जिंदगी संवारने के लिए तू अपने प्यार की कुर्बानी मत दे, थाम ले कविता का हाथ। नहीं सागर, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता राकेश? इसलिए कि आज मेरी सगाई किसी दूसरी लड़की के साथ हो रही है। तेरी सगाई? हाँ मेरे दोस्त, और यही सरप्राइज मैं तुझे देना चाहता था। नहीं नहीं राकेश, मैं तुझे ये सगाई करने नहीं दूंगा। तू किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करके कभी खुश नहीं रह सकता, हमेशा अपने प्यार की आग में जलता रहेगा और मैं तुझे इस आग में जलने नहीं दूंगा। तुझे कविता मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत खूब सागर साहब, बहुत खूब। ठीक ही कहा था आपने कि आप मुझे कभी बिखरने नहीं देंगे, मगर मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे इस तरह समेटेंगे कि मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। कविता प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। समझने की ही तो कोशिश कर रही हूँ मैं, कि आपने मेरे घर आकर मेरा हाथ, मेरा प्यार सिर्फ इसी दिन के लिए मांगा था कि वक्त आने पर मुझे अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर सको। नहीं कविता, तुम मुझे गलत मत समझो। तुम्हारी जिंदगी के साथ एक कागज पर मोहब्बत का पहला नाम राकेश का है, और तुम राकेश के साथ ही खुशहाल जिंदगी बिता सकती हो। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं राकेश के साथ खुश रह सकती हूँ? मेरी जिंदगी का कागज तो मेरे ही आंसुओं से इतना भीग चुका है कि इसमें कल का लिखा कुछ पढ़ा नहीं जा सकता और आगे कुछ लिखा नहीं जा सकता। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। अरे कौन दूर जा रहा है भाई, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब तुम लोग चलो ना। अरे भाई तुम इतने खामोश क्यों खड़े हो? आओ मैं तुम्हें राकेश की होने वाली दुल्हन से मिलवाता हूँ। आओ 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 ना बेटी सपना। सागर ये है सपना, राकेश की होने वाली दुल्हन। और सपना बिटिया ये है सागर, राकेश की जिगरी दोस्त और हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर। इन्हें कौन नहीं पहचानता, ये तो अपनी आवाज के जादू से लोगों को अपना दीवाना बनाकर उनका सब चैन छीन लेते हैं। हाँ बेटी यही तो इसका कमाल है, इसीलिए मैं इसके गानों का दीवाना हूँ। और आज ये अपने दोस्त की सगाई की खुशी में एक ऐसा नजराना पेश करेगा कि लोग सुनते ही अपना दिल थाम कर रह जाएंगे। तुम खामोश क्यों बेटे? आज तो रस्मी दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी। कम लेट अस स्टार्ट द म्यूजिक। का गम वो ही जाने,
जिसका गम वो ही जाने, बेगाने लगे अपने और अपने लगे बेगाने, कोई क्या पहचाने, जिसका गम वो ही जाने, कोई क्या पहचाने, जिसका गम वो ही जाने। तकदीर के एक होके क्यों है लगते रंग दो तस्वीर के, वक्त बदले बदले चेहरे कब हो क्या किसको पता, यही दुनिया की रीत है, कोई मुस्कुराहट की लहर में आंसुओं की प्यास है, दूर दिल से दिल की धड़कन फिर भी आस पास है, क्या वफा क्या बेवफाई राज ये जाने हम, कोई करता नहीं जान के ओ वही जाने, बेगाने लगे अपने और अपने लगे बेगाने, कोई क्या पहचाने, जिसका गम वही जाने। सागर साहब बहुत खूब, कोई क्या पहचाने जिसका गम वही जाने, बेगाने लगे अपने और अपने लगे बेगाने। सागर साहब, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस महफिल में ऐसा कौन सा शख्स है जो आपके लिए बेगाना हो गया? नहीं बताना चाहेंगे ना, तो ठीक है, मैं ही लोगों को बता देती हूँ कि वो बेगाना कौन है। मैं हूँ वो बेगाना, मैं हूँ वो बेगाना ना सागर साहब। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ अंकल, मैं ठीक कह रही हूँ, इन्हें जितना करीब से मैंने देखा है शायद किसी और ने देखा होगा। इनके खूब
खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा भयानक चेहरा छुपा हुआ है जिसे देखने के बाद इंसान नफरत ही कर सकता है, प्यार नहीं। नहीं सपना जी, आप गलत समझ रही हैं। आप नहीं जानते कि आपके रूठ जाने के बाद इन्होंने अपने आप को ही मिटा डाला था। आपने तो सागर को सिर्फ ऊपर से देखा है, उसकी गहराई में जाकर नहीं देखा कि वो कितना पाक कितना साफ है। मैं इसकी गहराई में जाकर देख चुकी हूँ, इसके अंदर गंदगी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो ऐसा इंसान है जो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पूछो इससे कि सच क्या है। नहीं, नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब गलत है। वो तस्वीरें, वो एक ड्रामा था। सिर्फ सिर्फ सागर को तुम्हारी जिंदगी से अलग करने के लिए। मैं पैसों के लालच में आकर तुम दोनों की जिंदगी में जहर घोल दिया। ये सबका जिम्मेदार ये कमीना प्यारे लाल है। इसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। हराम खोर, नमक हराम, खबर डाल कोई अपनी जगह से ना तो भेज वाला होगा मैं इसका। खोर हट जाओ, हट जाओ। मैं चलो निकलो, अरे चलो निकलो जल्दी से, जॉनी ले चलो से, चलो। कमीने, हमें नहीं पता था हम आज तीन में सांप पाल रहे हैं। अब तो पता चल गया ना बुड्ढे। लेकिन मैं कोई मामूली सांप नहीं हूं, इच्छाधारी सांप हूं जो जब चाहे अपना चोला बदल लेता है। चलो 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 जल्दी से इस वसीयत नामे पर दस्तखत कर दो। हरगिज नहीं करूंगा। सुना है कि हर बाप की जान उसकी औलाद में होती है। देखते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी दौलत से। चाचू, अगर आपने सपना डार्लिंग को मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगा, विधवा। पहली बार बेवकूफ तुमने एक अकलमंदी की बात की है। फिक्र न कर बेटे, लोग शादी के बाद मनाते हैं, तुम शादी से पहले मनाओगे। जाओ ऐश करो। कमीने, नमक हराम, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। मेरे पास मत आ, यही तो मेरा मौका है। मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। मुझे तुमसे नफरत है बोली। ओह आई लव यू। अगर आप खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी की दुर्दशा नहीं देखना चाहते तो इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। रोक लो उसे, मैं कहता हूँ रोक लो उसे, रोक लो उसे, मैं दस्तखत कर देता हूँ। बोली रुक जाओ, ये लीजिए। सागर, रुको। चाचू, you
फाइटिंग कर रहा है कबड्डी खेल रहा है? कराटे। कराटे है? तू पागल हो गया है, तुझे डॉक्टर की जरूरत है। कराटा ये क्रेक बनाता। वसीयत पर दस्तखत करवाएगा, मेरी बेटी की तरफ बुरी नजर करेगा, मेरी दौलत पर कब्जा करेगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हराम खोर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे छेड़ दो, मुझे मुझे मारता तेरी ये जुरत। मार मार। अरे हेलो, ये क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए तुमने? अरे कोई मेरी किस्मत में शायद ये लिखा था, आपकी बाहों में जिंदगी गुजारने का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपकी बाहों में मौत का नसीब होगी। नहीं कविता, नहीं कविता। सपना जी, प्यार में इंसान को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, शक नहीं। सागर कल भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं और कल भी तुम्हारे ही रहेंगे। कविता, इनका ख्याल रखना। कविता नहीं, कविता अपना नसीब।